मैं हूँ अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। गणेश उत्सव में पाबंदी के बाद भी बेची गई शराब। बीदर जिला औराद में जिला पुलिस विभाग की ओर से गणेश त्यौहार के दौरान स्थापना से लेकर विसर्जन के पूरे दिनों तक शराब पर पाबंदी लगाई है पुलिस विभाग और प्रशासन ने, लेकिन भालकी तालुका के एक छोटे से दुकान में बिना किसी खौफ के शराब बेचने का नज़ारा देखने को मिला। इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस विभाग खामोश। शराब का नशा व्यक्ति पर चढ़ता है तो माहौल भी बिगड़ जाता है। प्रवीण के परिवार को सरकारी नौकरी का वादा किया सीएम बसवराज बोम्मई ने। आज बेंगलुरु ग्रामांतर डोडबल्लापुर में कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से जनस्पंदना समावेश का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 लाख लोग पहुंचने की बात कही गई थी बीजेपी ने, लेकिन 2 लाख से भी कम लोग इस कार्यक्रम में नजर आए, जिसमें पूर्व सीएम येडियुरप्पा, सीएम बसवराज बोम्मई के अलावा केंद्र की ओर से मोदी के करीबी माने जाने वाली स्मृति ईरानी ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने बीजेपी नेता मृतक प्रवीण नेटारू के परिवार से उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया। इस पर इनके वोटरों की ओर से भरी सभा में वाहवाही के लगे नारे। मृतक के परिवार को सरकार ने 25 लाख, बीजेपी पार्टी ने 25 लाख और अब सरकार सरकारी नौकरी, लेकिन फाजिल और मसूद के परिवार को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। एक तरफा फैसला सीएम बोम्मई का सिर्फ अपने भगवा वोटरों को खुश करने के लिए, इससे क्या देश में रही बेरोजगारी और महंगाई से जनता को राहत मिलेगी? कौन चाहता है कि अपने घर के चिरागों को बुझाकर रोशनी में रहे? ये नफरत फैलाने वालों को सोचना चाहिए। बीजेपी का जनस्पंदना कार्यक्रम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है, सिद्धरामैया का बयान। बेंगलुरु में पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया कि राज्य में बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे नाजुक हालातों में लाखों का सरकारी पैसा खर्च करके इन्हें क्या ज़रूरत थी इस कार्यक्रम को करने की? बीजेपी सरकार अपने साधनाओं को बताना चाहती है तो उनकी सबसे बड़ी साधना भ्रष्टाचार, 40% कमीशन, बेरोजगारी और महंगाई है, कहा सिद्धरामैया ने। तेजस्वी सूर्य के खिलाफ कांग्रेसियों का विरोध अभियान। राजधानी बेंगलुरु में बारिश से पूरा शहर ही डूबा है, तभी बेंगलुरु के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य एक निजी होटल में जाकर मसाला डोसा खाते हुए उसके जायके का अपने सोशल मीडिया पर बड़े मज़े लेकर बयान करते दिखे थे। नेता इनके खिलाफ कांग्रेसियों की ओर से अलग अलग तरह के मसाला डोसा पार्सल करके अनोखे तरीके से विरोध करके बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य को करारा जवाब दे रहे हैं कांग्रेसी। बिजली के तार सही करने के चलते किसान की पूरी फसल बर्बाद। बल्लारी जिला कोरुगोरु तालुका ओरवी गांव में बिजली के खंभे ठीक करने आए कर्मचारी की ओर से पेड़ काट के उन पेड़ों को किसान के कपास की फसल पर गिरने से पूरी फसल ही बर्बाद कर दी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने। इस पर किसान आंखों से आंसू निकालकर मदद की गुहार लगा रहा है। भारी बारिश से लोग परेशान। गुलबर्गा जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते जिले में पुल डूबने से कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। कई गांवों में घरों में पानी चले जाने से जनता को न दिन में चैन और न रात में सुकून से हैं लोग, लेकिन सरकार चलाने वाले तो चैन की नींद सोकर जनता के टैक्स से जनस्पंदना के नाम से विशाल कार्यक्रम करके लूटने में जो लगे हैं। बीजेपी जनस्पंदना समावेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु ग्रामांतर में बीजेपी की ओर से जनस्पंदना कार्यक्रम रखा गया है। इस पर स्थानीय प्रगति पर संगठनों की ओर से काले परचम लेकर सरकार के इस कार्यक्रम का विरोध किया गया। मौके पर रही पुलिस ने 100 से भी ज़्यादा प्रगति पर संगठनों के नेताओं को घसीटते हुए गिरफ्तार कर ले गई।
एक साथ दुकानों और मकान में चोरी। बीजापुर जिले में आए दिन चोरी की वारदातें ज्यादा ही होती जा रही हैं। आज फिर से शहर के कनकदास बड़ावने में 5 दुकानें और 1 मकान में चोरों ने हाथ साफ किया है, जिसमें बेकरी, हेल्थ केयर और कई निजी कंपनीज के दफ्तर मौजूद थे। यहां से लाखों का माल चुरा ले गए हैं चोर, जिनका नज़ारा CCTV फुटेज में हुआ है कैद। ये घटना जलनगर पुलिस थाना इहाते में घटी है। जिले की जनता पुलिस विभाग पर भी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठा रही है। कृषि कानूनों के समर्थन करने वाली राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा, कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर का बयान। बेंगलुरु में किसान संगठनों के नेता कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर ने आने वाले 12 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने का प्लान बनाया है। किसान विरोधी बिल पर केंद्र सरकार ने हार मान ली, लेकिन राज्य की BJP सरकार अब तक इन किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं ले रही है। इसी के लिए विधानसभा का घेराव करके सरकार पर दबाव डालने की बात कही किसान नेता कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर ने। नाले में तहसीलदार की गैर जिम्मेदारी वाली हरकत। चित्रदुर्ग जिला चल्लीकेरे तालुका तहसीलदार एन राघुमूर्ति अपना कर्तव्य भूलकर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेना छोड़कर बहते नाले में पागलों की तरह लेटकर गैर जिम्मेदारी वाली हरकत दर्शाई है। इस सरकारी अधिकारी ने, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हिरण का शिकार कर रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी। कोलार जिला मुलबागिलो तालुका अगर फॉरेस्ट इलाके में कानून का उल्लंघन करके हिरण का शिकार करने वाले मारुति को फॉरेस्ट अधिकारियों ने गिरफ्तार करके इससे हिरण की चमड़ी जब्त की है अधिकारियों ने। अपना कर्तव्य भूलकर ठुमके लगाए PSI ने। चिकबल्लापुर शहर के सिडलघट्टा सर्कल में गणेश विसर्जन के मौके पर PSI होने गौड़ा ने आवारा लफंगों की तरह अपनी ड्यूटी भूलकर यूनिफॉर्म में नाचते दिखा PSI। राज्य के मुख्यमंत्री ने तो बड़ी शान से पुलिस अधिकारियों को किसी भी निजी फंक्शन में सम्मान और शिरकत ना करने की सख्त चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन यहां तो पुलिस अधिकारी ने खुलेआम नाच कर दिखाया कि हमें किसी के आदेश की कोई परवाह नहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।